घर के पास सो रहे मजदूर को जिंदा जलाया। थाना सरायम मरेज क्षेत्र के छतोना गांव में हुई खौफनाक वारदात। घर के बाहर सो रहे मजदूर को जिंदा जला दिया गया। आपको बता दें कि छतोना गांव के निवासी रामधनी भारतिया, जो 53 वर्ष के थे, घर के पास में ही मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे। पुरानी रंजिश को लेकर तीन लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। अंजाम देने वाले आरोपी छतोना गांव के ही रहने वाले हैं। रामधनी मजदूरी करता था। रोज की तरह बृहस्पतिवार रात खाना खाने के बाद वह दरवाजे के सामने चारपाई में मच्छरदानी लगाकर सो गया। देर रात अचानक उसके चीखने की आवाज़ आने लगी। नींद खुलने पर परिवार वाले बाहर पहुंचे तो देखा कि रामधनी आग का गोला बन चीख रहा था। जहां शाम को रामधनी की मृत्यु हो गई, रामधनी ने आरोपियों को पहचान लिए थे और पुलिस से अपना बयान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज, सुशील कुमार। और राजा, ये तीनों ने मिलकर आग लगा पेट्रोल डाल के हमारे पिताजी को जला दिए थे। ठीक है, कितने समय घटना थी ये? 12:30 बजे की दुर्घटना। बाहर लेटे हुए थे? हाँ, 12 बजे रात। पूरी तरीके से जल गए थे? पूरे तरीके से जल गए थे। हमारे पिताजी जलते जलते खदेड़े थे, उनको तीनों लोग थे, पकड़े भी थे। आग बचाने के चक्कर में उन लोग को नहीं पकड़ पाए, अपना आग बुझा रहे थे, इसीलिए उन लोग को छोड़ गए, भाग गए। ठीक है, मुकदमा दर्ज कराए हैं? हाँ, मुकदमा दर्ज कराए हैं। अभी तो पुलिस के कार्रवाई सौंप दिया गया है, और जो कुछ भी करेगी पुलिस अपना करेगी। सब पकड़े गए हैं? हाँ, पकड़े गए हैं तीनों लोग, और सरकार बोल रही है कि हमने नहीं भेज दिए हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। कौन सा गाँव है? छतोना। किस चीज़ से घटना घटी थी, किस समय? अरे 12 बजे के बीच में घटना घटी थी। पेट्रोल से जला कर मेरे पिताजी को आज जलाया गया। पेट्रोल से जला दिए थे? हाँ, पेट्रोल से। पूरी तरह जल गए थे? हाँ, पूरी तरह जले, ये शरीर का ये अंग भी नहीं बाकी था। और तो इससे पहले धमकी भी दिए थे गुंडे से मरवाने के लिए, सब धमकी। क्या नाम था उन लोगों का? राम शिरोमन। धमकी दिए थे? हाँ, राम शिरोमन धमकी दिए थे, गन से मरवाने का, गुंडे से, ये सब धमकी दिए थे। हॉस्पिटल ले गए थे आप लोग? हाँ, हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे अपने पिताजी को। हॉस्पिटल ही दम तोड़े? हाँ, फिर हॉस्पिटल में दम तोड़े थे, बयान वयान दिए थे, बयान देके एक्सपायरी हुए थे। हाँ, आपका क्या नाम है? दुर्गेश। गांव? छतोना। थाना कौन है? सराय में। और लाखों राजा पेट्रोल छिड़क कर और उसमें माचिस लगा कर भाग गए हमारे भाई ने, कुछ दूर काटा और जल गए। उसके बाद मैंने नंगा हो गए, वो मैं अपना गमछा उतार कर उनको पहनाया। वो बोले कि जल्दी से फूट खुला दीजिए, मैं अपने मुंह से बयान कर दूँ। क्या नाम है आपका? शिवकरण। बयान देके आपके भाई मरे थे? हाँ। आपके भाई क्या नाम था? रामधनी। कितनी उम्र थी उनकी? वो लोग जिंदा जला दिए रात को 12 बजे, और वो सब परिवार मिल के ये सब काम किए। हम लोग भी सर यही सोच रहा हूँ, उन लोग को खाते में कुछ करनी जरूर चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप लोग ना करिए, कानूनी कार्रवाई आप लोग करिए। पुलिस पकड़ी है उन लोगों को? हाँ, उन लोग को पुलिस पकड़ के ले गई है। सजा होना चाहिए? होना चाहिए सर, सजा होगी। सजा होना चाहिए उन लोग को, कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। 80 से 72 सजा उसमें। हाँ, 80 से 72 सजा। ऐसे इंसान क्यों मारे गए? ऐसे इंसान कोई नहीं। चाचा थे हमारे, रात की 12:30 बजे 29 तारीख के जला दिया गया। पेट्रोल फेंक नहीं, जलने लगे तो खदेड़ लिए। तीन लोग थे, तीनों भाग के नीचे, और पुलिस के नहीं, जब जलाते समय जल गए थे, उनको बताया गया, बेपर्द हो गए, उनके कपड़ों पर लपेटे गए। तो वो बोले कि उनके लाओ, पुलिस को बुला दो, हम पुलिस के सामने अपने बयान कर दें। तो जब पुलिस के कहें पुलिस क्यों नहीं आ रही है, पुलिस को बुलाओ, तो पुलिस आई तो पुलिस के सामने अपना बयान खुद कर दिए। नाम बता के मरे? नाम बताए, राजा और राम सोनी और लवकुश। तीन लोग थे? हाँ, तीन लोग थे।